हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉरर लैंड। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाला है, जिसे मैट विन ने डायरेक्ट किया है। और इसका IMDb रेटिंग तो कम है, लेकिन ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है, जिसे आप सभी लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ पसंद करते हैं तो हमारा एक और चैनल है, जहाँ पर आप लोगों को और भी कई सारी हॉलीवुड मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एला होता है, जो कि काफ़ी टेंशन में थी और लगातार ड्रिंक कर रही थी। दरअसल उसे अपने फियांसे पर शक था और वो इसके बारे में अपनी फ्रेंड मॉली से डिस्कस कर रही थी। एला को पता चलता है कि उसके फियांसे के पास एक डायरी है जिसमें उसके सारे राज छुपे हैं। एला को ये भी पता चलता है कि उसके फियांसे ने एक स्टोरेज यूनिट को रेंट पर लिया हुआ है और वहीं पर उसने वो डायरी सेफ रखी हुई है, क्योंकि एला अपने फियांसे से शादी करने वाली थी, इसीलिए वो उसकी पूरी जानकारी चाहती थी। एला मोली को स्टोरेज यूनिट में घुसने और पता करने के लिए अपने साथ ले जाती है। दरअसल एला को अपने फियांसे के पास से एक स्वाइप कार्ड मिला था, जो कि एक स्टोरेज यूनिट के दरवाजे की थी, और इसी से उसे सीक्रेट स्टोरेज के बारे में पता चला था। अब एला और मोली दोनों उस स्टोरेज यूनिट के रिसेप्शन पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक पुरानी पड़ी हुई बिल्डिंग में था। दोनों उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जहां पर रिसेप्शनिस्ट उनसे ये कहता है कि उन्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करें, क्योंकि उनका टाइम होने वाला है और वो जल्दी ही यहाँ से बंद करके जाने वाले हैं। उस बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर्स थे और हर फ्लोर पर कई लोगों के स्टोरेज यूनिट बने हुए थे। एला के स्वाइप कार्ड को देखकर उसके नंबर से ये पता चलता है कि उसके फियांसे का यूनिट सबसे नीचे बेसमेंट में है, और वो लिफ्ट के जरिए बेसमेंट में जाने लगते हैं, जहाँ पर लिफ्ट में एक लड़का आकर दोनों के साथ फ्लर्ट करता है, लेकिन वो उस लड़के पर ध्यान नहीं देते। फिर एला और मोली ये देखते हैं कि नीचे बेसमेंट यानी कि लास्ट फ्लोर पर जाने के लिए उन्हें कीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मोली अपने हेयरपिन से उस की को घुमा देती है और दोनों नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। और एला कार्ड पर लिखे नंबर से उस यूनिट तक पहुंच जाती है। वो दोनों दरवाज़े के बाहर लगे लॉक पर अपने कार्ड को स्वाइप करते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर मोली कहती है कि उसे एक ऐसी ट्रिक पता है जिससे कोई भी दरवाज़ा खोला जा सकता है। मोली उस स्वाइप कार्ड को अपने कपड़े पर ज़ोर से घिसती है और फिर उसे दरवाजे पर लगी मशीन में स्वाइप करती है, जिससे कि वो दरवाज़ा एक ही बार में खुल जाता है और दोनों उस यूनिट में चले जाते हैं। और जैसे ही दोनों उस यूनिट के अंदर जाते हैं, वैसे ही बाहर की लाइट अचानक से बंद होने लगती है, जिसे एला ऑन करने के लिए बाहर चली जाती है। और जब वो वापस आती है तो ये देखती है कि मोली पर किसी डरावने जीव ने हमला कर दिया है, जो कि किसी इंसान जैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। वो डोर फिर से लॉक हो जाता है और एला अपने कार्ड से वापस से स्वाइप करती है, लेकिन फिर से वो गेट नहीं खुलता। एला दो तीन बार ट्राई करती है, तब जाकर फाइनली वो गेट खुल जाता है और अंदर वो उस क्रिएचर को मोली को खाता हुआ देख लेती है। उस क्रिएचर की नज़र एला पर पड़ती है और वो एला की तरफ बढ़ता है, जिससे भागकर एला लिफ्ट में घुस जाती है, लेकिन लिफ्ट बीच में ही अटक जाती है। वो डरावना क्रिएचर लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए एला लिफ्ट की छत से निकलकर ऊपर वाले फ्लोर पर चढ़ जाती है, जहाँ का दरवाज़ा एक आदमी खोलता है और वो बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है। वो उसे बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है और वो भी अपनी यूनिट को चेक करने यहाँ पर आता है, जिसके बाद एला उसे मोली की मौत के बारे में बताती है और ये कहती है कि नीचे कोई खतरनाक जीव है जो कि उसकी फ्रेंड मोली को खा रहा था। डिटेक्टिव एला को एक लड़की विलो के साथ रहने को कहता है और खुद एला का कार्ड लेकर नीचे जाने लगता है। नीचे बेसमेंट में जाने के बाद डिटेक्टिव एला के कार्ड का नंबर उसके यूनिट से चेक करता है, तो वो दोनों मैच नहीं होते और वो तुरंत वापस ऊपर एला के पास आ जाता है और वो एला से ये पूछता है कि क्या उसने कोई ड्रग या फिर नशीला पदार्थ तो नहीं लिया, क्योंकि नीचे उसे कुछ नहीं मिला। और एला के फियांसे की यूनिट नीचे नहीं बल्कि इसी फ्लोर पर थी। एला ने कोई और नंबर देख लिया और वो किसी दूसरे के यूनिट में घुस गई थी। ऊपर रिसेप्शन पर किसी को कोई खबर नहीं थी कि आखिरकार नीचे चल क्या रहा है।
रिसेप्शनिस्ट एक वर्कर वैन से कहता है कि वो एक आखिरी चक्कर लगाए और जाकर सारे यूनिट को चेक करें, क्योंकि वो लोग जल्दी सब कुछ लॉक करने वाले थे। वैन फ्लोर चेक करते समय ये देखता है कि एक कपल जिनका नाम सारा और इयान था, वो कुछ ढूंढ रहे थे और वैन से 10 मिनट और मांगते हैं ताकि वो अपना सामान ढूंढ सके। वैन एक बहुत ही केयरलेस वर्कर था। वो किसी भी व्यक्ति के यूनिट में अपनी मास्टर की से घुस जाया करता था और इस बार भी वो ऐसा ही करता है। वो एक अनजान व्यक्ति के यूनिट में घुसकर वहाँ के फायर अलार्म पर टेप लगा देता है और फिर स्मोक करता है कि तभी उसे किसी की आवाज़ आती है और वो उसे देखने के लिए चला जाता है। वैन को ज़मीन पर एक कपड़ा मिलता है जिसे उठाकर देखते ही वहाँ की लाइट्स बंद होने लगती है और वैन पर भी वो डरावना क्रिएचर हमला कर देता है। वो डरावना जीव एक स्क्रू ड्राइवर को वैन के सिर में घुसाकर उसे मार डालता है। इधर एला डिटेक्टिव को ये बताती है कि वो बस अपने फियांसे का सामान चेक करने यहाँ पर पहली बार आई थी। एला बार बार डिटेक्टिव से कह रही थी कि उसकी फ्रेंड मोली पर किसी जीव ने हमला कर दिया है, लेकिन डिटेक्टिव को ये लग रहा था कि एला ने ड्रग्स लिए हुए है और उसे हेल्यूसिनेशंस हो रहा है। ऊपर रिसेप्शनिस्ट वैन को आवाज़ लगाता है, लेकिन वैन तो मर चुका था, इसीलिए रिसेप्शनिस्ट खुद ही फ्लोर चेक करने चला जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो फ्लोर पर किसी क्रिएचर को देखकर चौंक जाता है। यहाँ सारा अपने यूनिट में काफ़ी देर से कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन उससे अभी तक कुछ भी नहीं मिला था। वो इयान से ये कहती है कि वो ऊपर जाकर स्टाफ से कहे कि वो कुछ देर इस जगह को और खुला रखे, और इयान भी ऊपर चला जाता है। इयान के जाने के बाद सारा को लगता है कि कोई उसके पास से गुजरा है, और जब वो उसे देखने के लिए बाहर जाती है तो अगेन फिर से लाइट ऑफ हो जाती है और अचानक सारा को कोई पकड़कर उल्टा लटका देता है और उसका सिर जोर से ज़मीन पर पटक देता है। इधर एला डिटेक्टिव और विलो सीढ़ियों से बाहर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि लिफ्ट तो बंद हो चुकी थी, लेकिन वहाँ के दरवाजे पर ताला लगा हुआ होता है। उनकी मुलाकात इयान से होती है जिससे एला सब कुछ बताती है कि उसकी फ्रेंड पर किसी ने हमला कर दिया, और इयान सारा को देखने वापस चला जाता है और डिटेक्टिव अपनी गन से ताला तोड़कर आगे बढ़ता है। इयान को सारा नहीं मिलती, लेकिन ज़मीन पर पड़ा खून जरूर दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद में डिटेक्टिव को भी लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ ज़रूर है। डिटेक्टिव इयान पर ही शक करने लगता है कि उसी ने अपनी बीवी को गायब किया होगा, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से लाइट बंद हो जाती है और राशिद नाम का एक लड़का वहाँ पर आ जाता है जो कि एला को लिफ्ट में मिला था। वो ये बताता है कि वो यहाँ पर 3 दिनों से रह रहा है और उसे भी कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है जो कि नीचे बेसमेंट से आ रही है। डिटेक्टिव राशिद से भी बहस करने लगता है और विलो घबरा कर सिगरेट पीने लगती है, जिससे कि सिगरेट का धुआं फायर अलार्म को ऑन कर देता है और ऊपर अलार्म से पानी बरसने लगता है कि तभी वहां पर वो क्रिएचर विलो पर हमला कर देता है और विलो को बचाने के लिए डिटेक्टिव अपनी गन से उस क्रिएचर को शूट कर देता है, जिसका असर उस पर नहीं होता और वो वहाँ से भाग जाता है। फायर अलार्म के कारण सारे सेफ्टी डोर बंद हो जाते हैं और राशिद एक डोर के दूसरी तरफ फंस जाता है। राशिद उस डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर कोई क्रिएचर दिखाई देता है। उस क्रिएचर के हाथ में एक कटर होता है जिससे कि वो राशिद का सिर काट देता है। वो दूसरी तरफ मौजूद लोगों को बस राशिद के चिल्लाने की आवाज़ आती है और कुछ देर के बाद में राशिद का खून नीचे ज़मीन पर फैल जाता है। अब वे सभी लोग वहाँ पर फंस चुके थे और फायर एग्जिट से ही भाग सकते थे। सभी लोग बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि ऊपर का दरवाज़ा प्लास्टर किया हुआ है, यानी कि बाहर निकलने का अब कोई भी रास्ता नहीं था। दरअसल देखा जाए तो ये बिल्डिंग में सीक्रेट यूनिट्स थी, यानी कि यहाँ पर सीक्रेट सामान स्टोर किया जाता था और इस बिल्डिंग के फ्लोर्स ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ ज़मीन में बने हुए थे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन था और उसके नीचे फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड, फिर थर्ड और लास्ट में आता है बेसमेंट, यानी कि लेवल 4। सभी लोग लेवल 2 पर फंसे हुए थे और डिटेक्टिव किसी काम से लेवल 3 पर जाने को कहता है। सभी के पास बचाव के लिए कोई सामान नहीं होता और इसीलिए वो डिटेक्टिव के साथ नीचे चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी यूनिट से एक बैग उठाकर वापस आ जाता है, जिसमें से नोटों की गट्टियाँ बाहर गिर जाती है जो कि वो इलीगल तरीके से कमाता था। सभी डिटेक्टिव पर उंगली उठाते हैं कि उसने कुछ पैसों के लिए उनकी जान खतरे में डाली, और डिटेक्टिव गुस्से में आकर उनसे ये कहता है कि वो अकेले ही यहाँ से चला जाएगा
और कोई भी उसके पीछे आने की कोशिश नहीं करे, जिसके बाद डिटेक्टिव सभी को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। जाते समय डिटेक्टिव का बैग एक फायर एक्सटिंग्विशर में फंस जाता है, जिसके कारण उसके बैग से सारे नोटों की गड्डियाँ बाहर आ जाती है, जिसे वो उठा ही रहा होता है कि तभी उस पर भी हमला हो जाता है। डिटेक्टिव उस हमलावर से कहता है कि वो जीना चाहता है, लेकिन फिर भी वो डिटेक्टिव को मार डालता है। यहाँ पर विलो को ये लग रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। दरअसल विलो एक ड्रग एडिक्ट थी और उसे ड्रग्स की ज़रूरत लग रही थी। विलो सभी को बाहर रुकने का कहकर अपने यूनिट में चली जाती है, क्योंकि उसे अंदर जाकर ड्रग लेना था। विलो अपने यूनिट में जाकर चोरी छुपे ड्रग ले ही रही होती है, और इतने में एला और इयान अंदर छुपकर घुस जाते हैं और उसे वो ड्रग लेता हुआ देख लेते हैं। इयान को विलो की यूनिट से एक कटर और एक गन मिलती है, जिसे वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रख लेता है और विलो को अंदर यूनिट में ही बंद करके चले जाता है। लेकिन उनके जाने के बाद विलो को किसी के अंदर आने की आवाज़ होती है और यूनिट का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। विलो ये समझ जाती है कि वो किलर उसके यूनिट में घुस चुका है, और वो उसे रोकने के लिए एक हेवी ड्रग्स का इंजेक्शन तैयार करती है, ताकि वह किलर को ये इंजेक्शन घुसाकर बेहोश कर सके। लेकिन वह इंजेक्शन उसे ही लग जाता है और विलो खुद ही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो किलर विलो को एक प्लास्टिक बैग में रैप कर लेता है। एला और इयान नीचे बेसमेंट में बाहर का रास्ता खोजने जाते हैं, जिसके बाद वो उसी यूनिट में घुस जाते हैं जहाँ से वो क्रिएचर बाहर आया था। वो यूनिट बाहर से एकदम खंडर थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल नई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलता है। वो ये देखते हैं कि इस यूनिट के अंदर और भी कई सारे कंपार्टमेंट्स बने हैं, जिसे सेल कहा जाता है। फिर वो एक दरवाजे से एक रूम में घुस जाते हैं, जहाँ पर एयान को सारा की सैंडल दिखाई देती है, और सामने के एक केबिन से एक और क्रिएचर बाहर आता है, जिसे इयान अपनी गन से मार डालता है। लेकिन ये कोई क्रिएचर नहीं, बल्कि सारा थी, जिसका मुंह स्टेपलर से स्टेपल कर दिया गया था। एला को वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की कैब दिखाई देती है, और तभी वहाँ पर किसी के आने की आहट होती है, जिससे इयान और एला दोनों एक केबिन में छुप जाते हैं। एला इयान से ये कहती है कि इस यूनिट में और भी कई सारे कंपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पर लोगों को रखा जाता है, और जब वो छुपकर देख रहे होते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि रिसेप्शनिस्ट विलो को पॉलिथीन बैग में डालकर लाता है और उसके मुंह को स्टेपलर से स्टेपल कर देता है, और इस बात विलो को भी सेल में बंद करने वाला था। इयान एला के साथ चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट को ये पता था कि दोनों अंदर सेल में छुपे हुए हैं। वो रिसेप्शनिस्ट स्टेपल को इयान के सिर में घुसा देता है और एला के पीछे भागता है। एला को उस यूनिट से एक और लिफ्ट मिलती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसके वायर काट देता है और एला वापस से फर्स्ट लेवल पर ही पहुंच जाती है। रिसेप्शनिस्ट सारे सेफ्टी डोर्स को बंद कर देता है और एला कार्ड की मदद से अपने फियांसे के यूनिट में घुस जाती है, जिससे कि रिसेप्शनिस्ट ये समझ नहीं पाता कि आखिर एला गई कहाँ पर है। एला जब अपने फियांसे के यूनिट में होती है तो वहाँ पर से वो उस डायरी को चुरा लेती है, जिसके लिए वो यहाँ पर आई थी, और तभी वो रिसेप्शनिस्ट उसकी मास्टर की से एला वाले यूनिट में घुस जाता है। एला उस साइको रिसेप्शनिस्ट को रोड से मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे फिर से पकड़ लेता है कि तभी रिसेप्शनिस्ट के सेल से बचकर निकला हुआ एक व्यक्ति, जो कि दिखने में बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा लग रहा था, वो रिसेप्शनिस्ट पर हमला कर देता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसके गले में पेन घुसाकर उसे मार डालता है, और तब तक एला वहाँ से भाग जाती है। एला ये देखती है कि आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, और पीछे से वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर आ जाता है और वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। एला की जब आँख खुलती है तो वो खुद को एक स्ट्रेचर पर बंधा हुआ पाती है। उसके पास वाले स्ट्रेचर पर इयान भी बंधा हुआ होता है और उसके मुंह पर भी स्टेपल लगे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट आ जाता है और एला को बताता है कि उसने जेफरी को खुला छोड़ दिया, जो कि यहाँ पर सेल में ही लॉक्ड था। वो रिसेप्शनिस्ट एला का मुंह स्टेपल करने के लिए अपने स्टेपल को रेडी करता है और उसे ये भी बताता है कि वो यहाँ पर उन लोगों को रखता है जो कि अपनी लाइफ से परेशान है और हमेशा दुखी रहते हैं। इतने में इयान एला को कटर पास करता है, जो कि उसने विलो के यूनिट से लिया था।
जिससे एला अपने हाथ को चोरी छुपे खोल लेती है और वो उस कटर को रिसेप्शनिस्ट की पीठ में घुसाकर वहां से भाग जाती है। एला को बाहर जाने के लिए यूनिट से एक टनल मिलती है जहां पर वो मोली की लाश को पड़ा हुआ देखती है। उसे अपने फ्रेंड की लाश को देखकर काफी दुख होता है कि तभी वो रिसेप्शनिस्ट एला का पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। एला को टनल से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां मिलती है जिससे वो जल्दी वहां से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसकी डायरी वहीं सीढ़ी पर अटक जाती है, जिसे लेने के लिए एला अपना हाथ वापस टनल में डालती है और इतने में वो रिसेप्शनिस्ट उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम रिसेप्शनिस्ट को फिर से काम करता हुआ देखते हैं और वहाँ पर एला का फियांसे आता है। वो रिसेप्शनिस्ट से एला के खोने की बात करता है, जिसे सुनकर रिसेप्शनिस्ट उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एला का फियांसे उससे कहता है कि उससे एला के जाने का कोई भी दुख नहीं है और वो अपनी लाइफ खुशी से जीना चाहता है, जिसे सुनकर रिसेप्शनिस्ट उसे कुछ नहीं करता और उसे जाने देता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि स्टोरेज यूनिट के सभी फ्लोर्स पर लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और लास्ट में सबसे नीचे यानी कि बेसमेंट में एला है, जिसका मुंह स्टेपलर से स्टेपल किया गया है और एला भी एक सेल के अंदर बंद है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, देखा जाए तो ये मूवी एक डेंजरस क्रिएचर मूवी भी है और एक साइको किलर मूवी भी, क्योंकि मूवी में जो स्टोरेज यूनिट दिखाया जाता है उसका रिसेप्शनिस्ट एक साइको होता है और उन लोगों को कैद करके रखता है जिन्हें अपनी लाइफ में काफ़ी सारे दुख रहते हैं। वो उन सभी लोगों को अपने स्टोरेज यूनिट के बेसमेंट में बने हुए सेल में रखता है और उनका मुंह स्टेपलर से स्टेपल कर देता है और बाकी के फ्लोर्स पर वो अपनी स्टोरेज फैसिलिटी चलाता है। लेकिन एक दिन एला अपने फियांसे के यूनिट के बजाय बेसमेंट वाले यूनिट में गलती से घुस जाती है, जहाँ से वो साइको रिसेप्शनिस्ट द्वारा कैद किए हुए एक आदमी को आज़ाद कर देती है, जो काफ़ी समय से यहाँ पर कैद होने के कारण पागल हो चुका था, और ये आदमी कई लोगों को मार डालता है और बाकी लोगों को रिसेप्शनिस्ट कैद कर लेता है। एला लगभग स्टोरेज यूनिट से बाहर आ ही गई होती है, लेकिन वो फिर से अपने फियांसे की डायरी लेने के लिए अपना हाथ अंदर डाल देती है और उसकी इसी एक गलती के कारण रिसेप्शनिस्ट उसे फिर से पकड़ लेता है और उसे अपने यूनिट में कैद कर लेता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि अगला वीडियो कैसा होना चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय।